गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर RDPS नॉलेज वर्ल्ड में। दोस्तों, पहला वीडियो मैंने अपलोड किया और आप लोगों ने ढेर सारा प्यार दिया और ढेर सारे जो है व्यूज़ मिले, उसके लिए तहे दिल से जो है शुक्रिया आप सभी को। और इस कड़ी को जो है आगे बढ़ाते हुए, और मैं जो है जैसा कि आपको प्रॉमिस किया था ढेर सारे वीडियो लाने का, और इस कड़ी में पहला जो है कदम है मेरा क्लास ट्वेल्थ के जो है इंग्लिश के बुक आपका, यानी जो इंग्लिश का बुक है जो यूपी बोर्ड के बच्चे तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम देने वाले हैं, वो जो पोएम जो है यानी हमारा है इंग्लिश बुक का, वो पहला यानी पोएट्री का पहला पोएम है माय मदर एट 66। माय मदर इसका मतलब मेरी माँ एट 66, जो 66 वर्ष की हैं। तो ये यानी शीर्षक है, टाइटल है हमारे पोएम का, पहला पोएम है, और इसके राइटर हैं कमला दास, यानी जो लेखिका हैं वो कमला दास हैं। कमला दास जो है एक यानी बेहतरीन कवियों में जो है यानी शामिल हैं, और इनका जन्म 1934 में ये इनका जन्म हुआ है। केरल की हैं, साउथ इंडिया की हैं, केरल में मालाबार एक प्लेस है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ है। और इनकी जो कविताएं हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इनकी जो कविताएं हैं वो अपने जो है यानी वास्तविकता के लिए, अपनी ओरिजिनलिटी के लिए, और वर्सटिलिटी यानी जो इनकी एक अपनी कविता लिखने की एक जो प्रतिभा है उसके लिए जानी जाती हैं। इनकी कविताओं में जो है पैतृक पूर्वजों की जो पृष्ठभूमि है, जो उनकी मिट्टी है, उससे यानी रचे हुए जो इतिहास हैं, जो सामाजिक ताना बाना है, उसका एक बेहतरीन फ्लेवर निकल के आता है इनकी कविताओं में। बड़ा ही सामाजिक पकड़ है इनका, बड़ी सेंसिटिव जो है लेखिका है, बड़े अच्छे जो है रिलेशनशिप का बाइंडिंग है इनकी कविताओं में। और वो ये उदाहरण जो है प्रस्तुत करता है माय मदर एट 66। इन्होंने इनके अलावा इनकी अगर रचनाओं की बात करें तो इन्होंने नॉवेल्स लिखे हैं, शॉर्ट स्टोरीज लिखे हैं, कहानियाँ लिखी हैं, और वो इंग्लिश भाषा में हैं, साउथ की हैं, तो ये मलयालम भाषा में भी इनकी कविताएँ लिखी गई हैं। और अगर इनके रचनाओं को देखें तो एक यानी नाम है माधविकुट्टी, माधविकुट्टी के नाम से इनके नॉवेल और इनकी कहानियाँ फेमस हैं। अगर हम इनके नॉवेल की बात करें तो एक नॉवेल है काफ़ी फेमस है अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट, और एक शॉर्ट स्टोरी है पद्मावती द हॉर्लॉट, और इनके अलावा इन्होंने 5 यानी किताबें लिखी हुई हैं जो काव्य संग्रह है, कविताओं का संग्रह है। तो ये हो गया जो है लेखिका के बारे में। आइए स्टार्ट करते हैं जो है यानी इनके पोयम के बारे में, पोयम पढ़ते हैं दोस्तों। रेडी? ओके, चलो तो कट हो गया है। हाँ, तो कट हो गया। तो ये दिखाते हैं, तो ये आपके जो है पोयम का पहला स्टेंजा है। और इसको पढ़ने से पहले अबाउट द पोयम, थोड़ा सा पोयम के बारे में जान लेते हैं। माय मदर एट 66 यानी 66 वर्ष की मेरी माँ। दोस्तों, आपको पता है कि माँ का एक ऐसा जो है रिलेशन होता है जो दुनिया में एक सर्वोपर दर्जा दिया गया है, और आई होप जो है सभी जो है अपने माँ से बहुत प्यार करते हैं। और सोचिएगा, कभी जो है आपने अपने माँ को ध्यान से देखा होगा तो वो जो है उम्र के साथ धीरे धीरे जो है अवस्थाएं बढ़ती हैं, और आपको पता है कि ये हम लोग जब जन्म लेते हैं तो कितने उमंग भरी जो है बातें होती हैं बाल्यावस्था में। उसके बाद जो है युवावस्था आता है, और युवावस्था के बाद मध्यम अवस्था, और मध्यम अवस्था के बाद वृद्धावस्था। तो आपको पता है ना कि जो है यानी उम्र धीरे धीरे बढ़ती जाती है, और इस पे किसी का बस नहीं है। एक दिन तो सभी को ऐसे ही उम्र से गुजरना है, और ये एक नेचुरल प्रोसेस है। लेखिका ने ठीक इन्हीं बातों को जो है यानी रखते हुए इस कविता के माध्यम से इसको बखूबी समझाया है और बताया भी है। और साथ ही साथ उनका अपने माँ से एक रिलेशन है, किस तरह से एक बंधन है, उसको भी उन्होंने खूब अच्छे से समझाया है कि इंसान का जो है यानी सामाजिक बंधन और रिलेशन और ये सब चीज़ें क्या होती हैं, इस माध्यम से बहुत ही यानी कविता के माध्यम से बहुत ही अच्छे से समझाया। पहला स्टेंजा देखते हैं बिना देर किए हुए। ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग।
आई सॉ माय मदर बिसाइड मी डोज ओपन माउथ हर फेस एस एन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। इसका मतलब ये कि इसमें जो है यानी जो लेखिका है वो अपने पैतृक घर से अपने माता पिता के घर से जो है ड्राइविंग करते हुए अपने माँ को कहीं पे ले जाती यानी छोड़ने वाली है, शायद एयरपोर्ट जा रही है। और इसमें जो है उस समय वो अपने माँ को देखती है और उनको थोड़ा सा यानी अजीब रियलाइज होता है। क्या उनको रियलाइज होता है ये देखते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे, पिछले शुक्रवार को यानी लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, पिछले शुक्रवार की सुबह को ड्राइविंग मतलब चलाते हुए वाहन को चला रही हैं, कार को चला रही हैं। पिछले जो है शुक्रवार की सुबह को वाहन को चलाते हुए मैं अपने माता पिता के घर से कोचीन जा रही थी। कोचीन एक एयरपोर्ट है, तो अपने माता पिता के घर से जो है मैं कोचीन जा रही थी। उसी समय वो बताती हैं कि आई सॉ माय मदर, मैं अपने माँ को देखी। वो बता रहे हैं कि मैं पिछले जो है शुक्रवार की सुबह की बात है और मैं ड्राइविंग करते हुए जो है अपने माँ के साथ यानी जा रही थी और मैं यानी अपने माता पिता के घर से कोचिंग जा रही थी। आई सॉ माय मदर बिसाइड मी, तब मैं जो है एक अचानक अपने जो है माँ को देखी जो मेरे बगल में बैठी हुई हैं। जब उन्होंने देखा तो डोज ओपन यानी इसका मतलब हुआ बिसाइड मतलब है बाय द साइड यानी मेरे बगल में बैठी हुई थी और डोज मतलब होता है यानी हाफ असलिप। इसका मतलब हुआ कि आप लोग जानते हैं कि कभी कभी हम लोग ऐसे थोड़ा सा आधा नींद में रहते हैं और आधा जो है जागते रहते हैं, तो जस्ट ऐसे ही पोजीशन में। तो उन्होंने देखा जो है डोज ओपन, जब उन्होंने अपने माँ को देखा तो डोज ओपन माउथ, तो उनके मुँह जो है यानी जम्हाई से या आधा सोई हुई जो है यानी वो खुले हुए थे। हर फेस एसन, और उन्होंने ध्यान दिया कि उनका चेहरा, जब उन्होंने अपने माँ को देखा तो ध्यान दिया कि उनका चेहरा जो है एसन, एसन मतलब होता है, एसन मतलब होता है वेरी पाल, वेरी पाल मतलब होता है कि वो मुरझाया हुआ या पीला पड़ा या जो है रक्तहीन। तो उन्होंने देखा कि उनका मुंह जो है यानी आधा खुला हुआ है और उनका चेहरा जो है यानी पीला पड़ा हुआ है, रक्तहीन है, और वो ऐसे पीला पड़ा हुआ है जैसे कि उनके बगल में बैठा एक जो है कॉर्स हो। कॉर्स मतलब होता है यानी मृत शव या जो है मृत शरीर। तो आपने देखा होगा यानी जो लोग मृत हो जाते हैं तो उनके चेहरे किस तरह से दिखते हैं, तो लेखिका देखती हैं और उनको ऐसे ही लगता है। आइए एक बार फिर से देखते हैं। पिछले शुक्रवार की सुबह को ड्राइविंग चलाते हुए वाहन को चलाते हुए यानी फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन, मैं अपने माता पिता के घर से यानी पेरेंट्स होम से कोचिन यानी कोचिन एयरपोर्ट को जा रही थी। बिसाइड मी आई सॉ माय मदर बिसाइड मी, मैंने अपने माँ को देखा और वो मेरे बगल में थी, मेरे बगल में बैठी, मैं अपने माँ को देखी। तो डोज ओपन माउथ, तो उनके जो है मुँह यानी जम्हाई में या अनिद आधे नींद लिए हुए खुले हुए थे। और हर फेस एस एन लाइक, और उनका चेहरा ऐसे पीला पड़ा था, ऐसे मुरझाया पड़ा था जैसे कि कोई जो है उनके बगल में बैठा कोई मृत शव हो। तो पहले स्टेंजा में यहाँ पे ऐसी स्थिति है। A few moments later. तो पहले स्टेंजा में आपने देखा कि माँ जो है यानी इस तरह से दिखती है जैसे कि वो जो है काफ़ी यानी चेहरा पीला पड़ा हुआ है। और लेखिका जब उनको देखती हैं इस हालत में तो पेन एंड रियलाइज विद दैट सी वॉज एज ओल्ड एज सी लुक बट डोंट पुट दैट थॉट अवे। दूसरा स्टेंजा है, तो जब वो अपनी माँ को इस स्थिति में देखती हैं कि माँ जो है काफ़ी बूढ़ी हो चली हैं और इनका यानी चेहरा काफ़ी मुरझाया हुआ है और वो एक मृत शव जैसी लगती हैं, तो इस स्थिति को देख करके पेन वो यानी लेखिका बहुत ही निराश होती हैं, बहुत ही उनको कष्ट का एहसास होता है। एंड रियलाइज, और ये महसूस होता है विद दैट, उसके साथ ही साथ, उसके साथ ही ये महसूस होता है उनको कि सी वॉज एज ओल्ड सी लुक्ड, कि उनकी माँ अब उतनी बूढ़ी हो चली हैं, उतनी बूढ़ी हो गई हैं जितनी कि वो दिखती हैं। अर्थात जिस समय वो अपने माँ को देख रही हैं जैसा उनका चेहरा दिख रहा है और जितनी वो बूढ़ी दिख रही हैं, तो उनकी माँ जो उनको ये एहसास होता है कि उनकी माँ उतनी बूढ़ी हैं जितनी कि वो दिखती हैं। तो दोस्तों इससे जो है उनको काफ़ी ज़्यादा यानी एहसास होता है और कष्ट होता है कि माँ इतनी बूढ़ी हो गई हैं और इतनी बूढ़ी दिख रही हैं। बट लेकिन अब ये विचारों से वो ना दूर हटना चाहती हैं,
तो बट सून पुट दैट थॉट अवे, लेकिन शीघ्र ही जो है वो अपने इन विचारों से जो है दूर हटती हैं, अपने विचारों को दूर करती हैं।